हाय गाइस, आज हम देखेंगे शॉपी के साथ talk.to चैट विजेट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे शॉपी पैनल डैशबोर्ड पे। हम शॉपी के हैं तो उस पर ऐप स्टोर के जाने के बाद यहाँ पे talk.to का एक चैट विजेट होता है। इसको हम कैसे इंटीग्रेट करना होता है वो हम देखेंगे। तो पहले तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे वैसे तो पूरा प्रोसीड्योर आपको दिया गया है, कैसे जाना है, कहाँ पे क्या करना है। तो फर्स्ट प्रोसीड्योर जो यहाँ पे दिया है, तो आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा dashboard.talk.to और /signup पे जाके। तो मैं ये लिंक को ओपन करके राइट क्लिक करता हूँ और गो टू करता हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा लिंक साइड में। तो यहाँ पे नाम डालना होगा, तो मैं इनका एक बार ओपन कर लेता हूँ स्टोर को, विजिट स्टोर में जाके। तो यहाँ पे इनका जो कंपनी है जोइता सिल्क क्रिएशन करके है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये नाम हम टाइप कर देते हैं, जोइता सिल्क क्रिएशंस। तो उसके बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया ईमेल आईडी, तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम डाल देते हैं कुछ भी। तो ये हो गया, तो साइन अप कर लेते हैं फिर उसके बाद। तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा क्रिएट प्रॉपर्टी। तो ये लैंग्वेज है, ये कंट्री नहीं है, तो इसके लिए US लैंग्वेज रहने दीजिए, इंग्लिश। और उसके बाद क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होगा, हम कर लेते हैं। उसके बाद वेबसाइट का नेम एंड URL पूछ रहा है, तो वेबसाइट का URL तो हमारे पास यहाँ पे है, कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आगे पेस्ट कर देते हैं, और नेम जो है, नेम भी जो इतना सिल्क क्रिएशन है, तो ये भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये है वेबसाइट का नेम, तो हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई दूसरा मेंबर है कंपनी में जो आपका चैट आपके भी यहाँ पे हैंडल करना चाहता है, तो वहाँ पे आप ये ईमेल आईडी डाल के उसको क्या एजेंट या एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इस तरीके से जितने भी मेंबर चाहे आप ऐड मोड करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे केस में अभी कोई नहीं है हमारे एम्प्लॉय, तो हम इसको डिसकनेक्ट करेंगे और सिर्फ हमारी ही रहेगा, हमारा जो ईमेल आईडी ही रहेगा इस पर। फिर इंस्टॉल चैट विजिट करना होगा, तो इंस्टॉल जब चैट विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पे आपको एक कोड मिलता है, ठीक है। तो इस कोड को आपको ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाता है, तो कॉपी हमने कर लिए। अभी नोटपैड ओपन करेंगे कंप्यूटर में, तो नोटपैड ओपन हो गया, नोटपैड में हम इसको पेस्ट करेंगे, जो वहाँ से कॉपी हुआ उसको हम पेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि URL मिलता है, जो आपको इस इन्वर्टेड कॉमा के बाद से लेके ना यहाँ तक आपको लेना है, ठीक है। एम्बेडेड होगा, देखिए एम्बेडेड talk.to ये URL होगा, तो आपको यहाँ से लेके इतना तक इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लिए हम, अभी इसको जाना है हमारे शॉपी के अंदर। शॉपी के आने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, फिर इसको आप सेव कर देंगे। देखिए कॉन्फ़िगर में गया था और यहाँ पे डाल के हमने सेव कर दिया। तो अभी जब सेव कर दिया, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, डन, यहाँ पे और कुछ नहीं करना, डन कर देना है बस। ये आपका काम हो गया ख़त्म। अभी आपके वेबसाइट में है जो talk.to का विजिट आपको दिखने लगेंगे। देखिए अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी इस कोने पे यहाँ पे आपको talk.to का विजिट शो होगा, ये देखिए आ गया अभी। तो इतना सिंपल सा प्रोसीड्योर है, आपको talk.to इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। और इससे कस्टमर आपको डायरेक्टली आपके साथ चैट कर सकता है वेबसाइट में रहते हुए। तो talk.to का ऐप मिलता है प्ले स्टोर में, आप आपके मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करके आप जिस ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन किए उस ईमेल आईडी से फ़ोन पे साइन अप कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। तो फिर जब भी कस्टमर कोई यहाँ से आपको इस तरीके से हाय हाय भेजेगा, तो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, आपके उसमें ऐप के अंदर भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया, जब वहाँ पे हमने हाय लिखे वेबसाइट के अंदर, तो हाय यहाँ पे आ गया। तो हम ज्वाइन करके इसको भी हम हेलो लिख सकते हैं, मतलब आप इस तरीके से चैट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आ गया, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा फीचर है, आप आपके वेबसाइट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता था, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखिए, ये आपका किसी के केस में क्या होता है ना, वो डायरेक्टली इस पेज पे पहुँच जाते हैं talk.to के डैशबोर्ड पे, डायरेक्टली वो पहुँच जाते हैं। उनको वो पहले जो उनका जो कोर्ट का पेज था ना, वो कोर्ट का पेज वो स्किप कर देते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। तो उस केस में कैसे मिलेगा, उस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इसको डिसकनेक्ट करता हूँ मैं दोबारा से, इस लिंक को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि हमने कोड हटा दिए हैं। तो अभी किसी का डायरेक्टली इस पेज में आ जाते हैं कोई, तो उस केस में कहाँ पे आपको कोड मिलेगा, फर्स्ट पेज पे अगर आपको स्किप कर दिए डायरेक्टली वहाँ पे नहीं मिला, तो कहाँ पे कोड होता है,
तो इसके अंदर कोड होता है, आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो बटन दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, उसके बाद आपको चैनल में क्लिक करना पड़ेगा। इस चैनल्स में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा जो कोड, चैट विजेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद चैनल्स, उसके बाद चैट विजेट, तो फिर यहाँ पे वो कोड मिल जाता है। ठीक है, कोड मिल जाने के बाद वो प्रोसेस तो सेम ही है, फिर आपको यहाँ पे वो कोड मिल जाने के बाद आपको फिर यहाँ पे पेस्ट करना है, और फिर यहाँ पे वो कोड सेम ही है जो फर्स्ट टाइम दिखाया था, वो सेम ही है। अगर फर्स्ट टाइम में आप कर लेते हैं तो सही है, नहीं तो अगर पेज डिलीट हो जाता है या दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं डायरेक्टली, तो उस पर यहाँ पे कोड मिलता है, इसको कॉपी करके आप सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कहाँ गया, शॉपी के अंदर कन्फिगर में जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो है, अभी मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। एक चीज़ जो है, यहाँ पे इस वेबसाइट का कलर जो है थोड़ा रेड है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ये ग्रीन है। तो इस केस में आप अगर चाहते कि आपका थीम कलर में वो हो, तो उस केस में देखिए यहाँ पे विजेट का कलर का एक ऑप्शन है, इसमें आप आपका जो है कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अलग कलर है, तो इस कलर को आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अभी देखिए ये कलर यहाँ पे आ जाएगा, हमने जब वहाँ पे डाल दिए तो कलर इस पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर इस कलर में हो गया पूरा वेबसाइट के कलर में, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी नए अपडेट्स होंगे हम ज़रूर आपको इसमें बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।